Good morning, students. Today in political science, we will be revising the third chapter, which is elections and representation. Here you can see some of the questions that arise in this chapter, and we will try and answer this. Okay. Now, a similar chapter was there in class 10. You have learned about democratic elections and non-democratic elections. This is also about elections, but the topics are different. Here we are discussing some different issues. But you need to understand why there has to be representation. Okay, why do we need representatives? In a democracy, because the power lies with the people, and because countries are large, population is large, and in modern day circumstances, not every person can exercise his power directly. Okay, not all men can sit down together and discuss and make laws and execute laws. We need a government. We need some people who should do this work, and we need to choose those people. Okay, that is why elections are necessary. Democracy mein power logo ke paas hota hai. Iska matlab hai people are the rulers, but how will they rule? वो सभी लोग बैठकर एक साथ हर दिन डिसीजन ले सकें, काम कर सकें, ये पॉसिबल नहीं है. दैट इज़ वाई उन लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि चुनने की ज़रूरत है, और इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है. ये रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग तरह के होते हैं, और हम उन्हें चुनते हैं, और चुनने के लिए वी नीड इलेक्शंस. ओके, बट नॉट एवरी इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. कौन से इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, कौन से नहीं है, ये क्लास टेंथ में आप समझ चुके हैं कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए क्या ज़रूरी है. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ज़रूरी है, दैट एवरी अडल्ट मस्ट हैव अ वोट. सभी वोट्स की सेम वैल्यू होना ज़रूरी है. रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस होना ज़रूरी है. ये आप जानते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या है. ओके, एवरीवन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. एवरीवन मस्ट हैव अ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. एवरीवन मस्ट हैव अ राइट टू वोट. ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं. ओके, इलेक्शंस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी होते हैं. चाइना इज़ अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं, बट दोज इलेक्शंस विल नॉट बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, बिकॉज जो बेसिक रूल्स चाहिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए वो वहाँ फॉलो नहीं होते हैं. Those elections are not free and fair. So general things about election you understand. Okay. Now representation is more important. Okay, why we are discussing representation here. Necessity of representation in large democracies, मैंने बताया, because direct democracies is not possible. Direct democracy अभी भी इंडिया में एक लेवल पर है, लोकल लेवल पर है, ग्राम पंचायत के लेवल पर है, जहाँ पर ग्राम पंचायत के सभी जो मेम्बर्स हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं और किसी भी चीज़ पर डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं. ओके, तो वो स्मॉल स्केल में तो है, और ये डेमोक्रेसी जो कि ग्रीक्स में एक रोम सिटी को मैनेज करने की अगर बात हो तब तो ये पॉसिबल है. ओके, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन टुडे सर्कमस्टेंसेस बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन एंड लार्ज कंट्रीज. ओके, नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, एंड कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स जिसके तहत होंगे इलेक्शंस होंगे. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कैसे इलेक्शंस होंगे, और उसका पूरा सिस्टम उसमें है. ओके, उसके लिए एक कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, ये सब हम बता रहे हैं. ओके, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. नाउ ये टॉपिक न्यू है, एंड लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक. व्हाट इज द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया जो हम फॉलो करते हैं. ओके, मोर ओवर ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में दो ही सिस्टम चलते हैं. एक थर्ड सिस्टम भी है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दिस सिस्टम. सो द फर्स्ट सिस्टम जो हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और इनफैक्ट हम यही सिस्टम फॉलो करते हैं. ओके, तो इलेक्शंस कई तरह के होते हैं. यू अंडरस्टैंड कि इलेक्शंस इंडिया में एक तो होते हैं जनरल इलेक्शन. जनरल इलेक्शन से हम किनको चुनते हैं, हम एम पी को चुनते हैं. ओके, जो कहाँ जाते हैं जो लोकसभा जाते हैं. देश की सरकार, भारत सरकार, लोकसभा के मेंबर्स एम पीज, उनके लिए इलेक्शन होता है, वो क्या होता है जनरल इलेक्शन. दूसरा जो इलेक्शन है जो कि विधानसभा का इलेक्शन होता है, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, उसे हम असेंबली इलेक्शन भी कहते हैं.
इसके अलावा भी कई इलेक्शन होते ही रहते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, नगर पालिका के इलेक्शन होंगे, जो कि म्यूनिसपैलिटीज हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत, सॉरी ग्राम सभा एंड जिला परिषद, कई लेवल के इलेक्शन हैं। ओके, ये दो मेजर इलेक्शन हैं, इसके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। ओके, लोकल गवर्नमेंट की बात बाद में करेंगे। तो ये जो इलेक्शंस हैं और जो भी अभी मैंने और इलेक्शंस की भी बात की, अगर हम नगर पालिका या नगर निगम जो कि अर्बन एरियाज में होते हैं, सिटीज में होते हैं, ओके, उनकी बात करें या फिर रूरल लेवल पर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो इन सभी इलेक्शंस में जो सिस्टम फॉलो होता है वो है फर्स्ट पास इन पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास इन पोस्ट सिस्टम बहुत सिंपली भी है और इस सिंपलिसिटी की वजह से भी इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया। हमारे यहाँ पर लिटरेसी लेवल बहुत कम थी, अभी भी खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉट एवरी पर्सन इज लिटरेट, बट एवरी पर्सन हैज गॉट अ वोट। एवरी अडल्ट लिटरेट हो या ना हो, समझता हो ना समझता हो, वोट उसके पास भी है। इसीलिए जो भी सिस्टम बनाया जाए वो सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो, सिंपल हो, ये भी एक वजह थी। तो हमने एक अडॉप्ट किया, दूसरी वजह ये थी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमारे यहाँ ऑलरेडी चला आ रहा था। ये ब्रिटिशर्स यही सिस्टम फॉलो करते हैं और क्योंकि ज़्यादातर जो लॉज एंड जो हमारे यहाँ सिस्टम इलेक्शन वगैरह का चल रहा था उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया हुआ था, तो वी वर फेमिलियर विद दिस सिस्टम एंड वी अडॉप्टेड दिस सिस्टम। इस सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कंटेस्टिंग इलेक्शन, ओके, उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं ही बिकम्स द विनर। कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स उसे चाहिए दैट इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो इफ अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो सीट्स हैं, इलेक्टेड सीट्स हैं, वो हैं 542। सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग खड़े होंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई लोग खड़े होते हैं, 20, 25, 30, सो मेनी पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन। ओके, सो दे आर मेनी पीपल, पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टी के कैंडिडेट्स के अलावा इंडिपेंडेंट्स भी होते हैं, वो इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे। सपोज इस पर सब किसी एक सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि लेटेस्ट एक बनारस जहाँ से नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीता, प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन जीता, उनकी बात करते हैं। तो सपोज फ्रॉम बनारस देयर वर अदर्स ऑल्सो हु कंटेस्टेड इलेक्शन मोदी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। ओके, कई और भी कैंडिडेट्स थे। नाउ हूसोएवर विल गेट द हाईएस्ट वोट, सपोज देयर आर 5 लाख वोटर्स, ओके, 5 लाख कम आउट टू वोटर्स एंड 4 लाख कम आउट टू वोट, ओके, तो माने हुए हैं अगर 5 लाख हैं और 4 लाख लोगों ने वोट दिए तो 4 लाख ही वोट्स माने जाएंगे। जो वोट्स पड़ते हैं, वोट्स कास्ट जिसे हम कहते हैं, वो एक निकले जाते हैं। इसमें से जिसको हाइएस्ट मिलेंगे, सपोज समबडी गेट्स 1.5 लाख, बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सबको 1.5 लाख से कम मिलेंगे, then this person will become the winner। ये इसका 50% है या नहीं है, ये 20% है, 10% है, 30% है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर 100 वोटर्स हैं, अगर 1 लाख वोटर्स हैं और अगर किसी को 15,000 वोट मिले लेकिन बाकी कैंडिडेट्स को उसे कम मिले हैं तो वो 15,000 वोट लेकर भी वो विनर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इस सेंटेंस को अगर मैं समझाऊँ तो ये रेस में यूज होता है। पहले रेस में एक पोस्ट, एक पोल लगाया जाता था, उसका फ्लैग आता था एंड लोगों को दौड़ाया जाता था, जो उसके आगे निकल गया वो विनर हो गया। सिंपली इट्स लाइक अ रेस वेयर एवरीवन इज रनिंग, हूसोएवर क्रॉसेस दैट पोस्ट फर्स्ट, वो जो सबसे आगे जो निकल जाएगा वो जीत जाएगा। ओके, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग ऐसे ही तो इलेक्शन होते हैं, दूसरा सिस्टम क्या है। ओके, द नेक्स्ट सिस्टम इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कई कंट्रीज में है, आप अगर एक नाम याद करना चाहते हैं तो इसराइल है, क्योंकि इसराइल इस सिस्टम को फॉलो करता है। वहाँ कैसे इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर कैंडिडेट्स नहीं होंगे, कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जरूर होगी, पार्टीज अपने कैंडिडेट की एक लिस्ट निकालेंगे, दे विल से कि ये हैं हमारे 100 कैंडिडेट्स और इन 100 कैंडिडेट्स में से हम इनमें से ही किसी को चुनेंगे। तो लोगों के पास एक लिस्ट रहती है कि यस दीज आर द पीपल, इनकी ये लिस्ट है, बट दे विल नॉट वोट फॉर देम, दे विल वोट फॉर दी पार्टी।
इलेक्शंस पार्टीज के बीच में होगा. ओके, सो पीपल विल वोट फॉर द पार्टी. सपोज अगर इंडिया में होता तो हम वोट करते फॉर कांग्रेस, फॉर बीजेपी, फॉर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी. वी वुड नॉट हैव वोटेड फॉर कैंडिडेट्स. अब पार्टी को जितना परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलेंगे, परसेंटेज ऑफ वोट्स. ओके, तो सपोज इसके सिंपल एग्जाम्पल, सपोज देयर आर 1 लाख वोट्स. Now let us divide this 1 lakh votes into parties. Okay, I am writing 4 party names: BJP, Congress, okay, SP, GSP. Now if I divide these 1 lakh votes, and suppose BJP gets 35,000, okay, they get 25,000, that makes it 60, and they get 20,000. BSP also had 20,000. Okay. And the total number of seats, even figure नहीं लेते हैं, हम यूपी के विधानसभा की सीट्स ले लेते हैं. सपोज यूपी की विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, देर आर 400 सीट्स इन यूपी विधानसभा. ओके, नाउ पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी? बिकॉज बीजेपी हैज गॉट 35% सीट्स, so they will get 35% they got 35% votes, that is why they will be given 35% seats. 400 का 35% जो seats है वो उन्हें मिल जाएगी. ओके, ये आता है. ओके, सो दे विल गेट 140 seats. ओके, बिकॉज 140 कितना है आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज 35% ऑफ. जिस प्रोपोर्शन में उन्हें वोट्स मिले हैं उसी प्रोपोर्शन में उन्हें सीट्स भी अलॉट होगी. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है. अगर इलेक्शन का ओवरऑल हम कैलकुलेट करें तो मे बी अ पार्टी है फॉर ओनली 40% वोट्स, बट दे माइट हैव गॉट 60% सीट्स. ये बहुत पॉसिबल है, ये होता भी है कि 40% वोट लाकर भी आपको 60-65-70% आपके सीट्स आ सकती है. वोट्स तो मिलेगी 40%, लेकिन सीट्स आपको मिलेगी 60-70, वॉट एवर. ये इलेक्शन टू इलेक्शन डिपेंड करता है, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा बिल्कुल नहीं है. जितना लोग आपको चाहते हैं, जितने आपको वोट्स मिले हैं, उतने सारे वोट्स को ऐड कर लिया जाएगा और फिर उन वोट्स के आधार पर उसी वोट्स के रेशियो में आपको सीट्स अलॉट. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कैंडिडेट्स कौन है. दे आर वोटिंग ओनली फॉर दी पार्टी, उनके सामने कैंडिडेट नहीं होता है. तो अगर उन्हें किसी से काम करवाना है, दे डोंट नो दी पर्सन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का कौन कैंडिडेट है, किसको वोट देना है, कौन काम करेगा, कौन इलेक्शन में है, वो चेहरा सामने नहीं होता है. ओके, द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में किसी के लिए भी मेजॉरिटी लाना बहुत मुश्किल है. इफ़ यू अगर आप इसराइल का पता करेंगे तो इसराइल का पिछले 2 साल का पता नहीं कितनी गवर्नमेंट्स चेंज हो चुकी हैं. वहाँ इलेक्शंस होते रहते हैं, गवर्नमेंट्स बहुत मुश्किल से बनती हैं क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पर लाना बड़ा मुश्किल होता है. एक दो पार्टीज मिलकर बनाती हैं एंड वहाँ भी इलेक्शन बहुत होते हैं. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इंडिया इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ पर इलेक्शन कराना बहुत कॉस्टली है, अगर हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं, बार बार री इलेक्शन होते हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. इसराइल की बहुत छोटी कंट्री है, टोटल पॉपुलेशन उनकी 1 करोड़ से भी कम है. ओके, और दिल्ली, आधी दिल्ली. ओके, तो इतने पॉपुलेशन है, 95 लाख की पॉपुलेशन है, वो ऐसा कर सकते हैं. एक रिच कंट्री है, दे आर वेरी पावरफुल एंड रिच पीपल, तो दे कैन अफोर्ड. उनका इलेक्शन सिस्टम में उतना खर्च नहीं होता होगा ऑब्वियसली, बट आर्स इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री. दैट इज वाई इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू हैव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. दैट इज वाई हम फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं. तो ये दो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर इसी को समझाया गया है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम क्या है, उसका कंपेरिजन यहाँ पर बहुत क्लियरली दिया है पेज नंबर 59 से. आप वहाँ पर पॉइंट्स जाके याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. वेदर यू अपील फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम हाफ ईयरली हो, चाहे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर का मेन टॉपिक जो नया है
जो आपने टेंथ तक नहीं पढ़ा है, इलेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो, वो यही है, फर्स्ट पास थ्रू पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोजनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सो माय एडवाइस इज दैट यू मस्ट ऑब्वियसली प्रिपेयर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। प्रोपोजनल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो पता होना चाहिए, स्पेशली विद एग्जाम्पल्स, ओके, एंड फर्स्ट पास थ्रू पोस्ट सिस्टम क्या है, इन दोनों को आपको समझाना आना चाहिए, ओके। बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रोपोजनल रिप्रेजेंटेशन इसराइल में, उसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, दैट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज़ है कि राज्यसभा जैसे इलेक्शन में, जो कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है जहाँ पर लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुना, ओके, हमने विधानसभा के मेंबर्स को चुना और फिर विधानसभा के मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, तो वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहाँ पर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज़ होता है। नॉट एग्जैक्टली इसराइल वाला सिस्टम नहीं है, बट येस सम काइंड ऑफ अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, वहाँ पर जितने भी टोटल वोट्स की पोलिंग होती है उसका दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस वन, ओके। तो इस तरह से एक थर्ड वेरिएंट जो है कि जहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में होता है जहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है, अगर चार कैंडिडेट हैं तो चार कैंडिडेट में से हम जिसको चुनते हैं उसे नंबर वन देते हैं, फिर सेकंड प्रेफरेंस है नंबर टू, फिर नंबर थ्री, नंबर फोर, पहले प्रेफरेंस के वोट्स काउंट होते हैं, जो लास्ट में होता है उसके वोट्स ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं आगे वाले कैंडिडेट्स को, ओके, और एलिमिनेट होते चले जाते हैं पीछे से, और फिर लास्ट में एक कैंडिडेट बचता है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट आपको जो जानना है वो ये कि राज्यसभा का इलेक्शन एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के हिसाब से होता है, नॉट एग्जैक्टली वही सिस्टम, एक थर्ड वेरिएंट है, थर्ड तरीका है, और उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, उसको मिक्स करके एक सिस्टम बनाया हुआ है, और ऐसे ही इलेक्शन होता है राज्यसभा का, और ऐसे ही इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, ओके। नाउ रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जनरल कैटेगरी के लिए ओपन नहीं है। देयर इज रिजर्वेशन इन इंडिया, रिजर्वेशन इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है। कुछ लोगों को रिजर्वेशन, कुछ कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो अपने दम पर, वो लिमिटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनका रिप्रेजेंटेशन इलेक्शंस में बहुत कम था, इसलिए उन्हें बहुत ज़रूरत थी। नाउ इनको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ये दो कैटेगरीज हैं जिनको रिजर्वेशन है जनरल इलेक्शन में और असेंबली के इलेक्शंस में। लेकिन अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके भी इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन का इलेक्शन होता है, वार्ड मेंबर्स का होता है, अगर नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो वहाँ पर मेयर का इलेक्शन होगा, उनके वार्ड मेंबर्स का इलेक्शन होगा, और ऐसे इलेक्शंस में फोर कैटेगरीज ऑफ पीपल हैव गॉट रिजर्वेशन, ओके। तो फर्स्ट तो हमें ये देखना है कि जो ओके सो अगर हम MPs का जो इलेक्शन है एंड MLAs के जो इलेक्शन है, मतलब जनरल इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन, इनमें जो रिजर्वेशन मिलता है वो दो कैटेगरी को मिलता है, SC एंड ST। वेमेन को यहाँ पे रिजर्वेशन देने की बात हो रही है, लेकिन अभी वो बिल पास नहीं होता है। वेयरएज अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, ओके, अगर हम ग्राम सभा, जिला परिषद, उनकी अगर हम बात करें, अगर हम नगर पालिका, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, तो यहाँ पे एक रिजर्वेशन चार कैटेगरीज को, SC, ST, OBC एंड वुमेन। वन थर्ड सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, ये विमेन के लिए रिजर्व है, OBC, ST एंड SC के लिए उनके जो रेशियो है पॉपुलेशन में उसके हिसाब से उनका रिजर्वेशन है, ओके। तो सपोज 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स में से 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी जाएगी, OBC के लिए आते 47% है वो उनके लिए रिजर्व हो जाएगा, SC ST के लिए 13-17% जो उसका रेशियो है उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन हो जाएगा, ओके। तो ये सिस्टम है, सेपरेट इलेक्टोरेट अलग है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय
जो मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट एलिफर्ट्स की डिमांड की थी और वो डिमांड एक्सेप्ट भी हो गई थी। और उस समय जो दलित से उनको भी मिलता था सेपरेट इलेक्टर्स में वोट करने वाले लोग भी सभी को वोट नहीं करते, बट यहाँ पे वोट सभी करेंगे। अगर 1/3 सीट रिजर्व है वेमेन की, दैट डज नॉट मीन केवल वेमेन वोट करेंगे, फिर तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो जाएगा। ये रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में वोट सभी करते हैं, ओके, ऑल कैटेगरीज में वोट, बट इलेक्शन कंटेस्ट सभी लोग नहीं कर सकते हैं, ओके। सो आउट ऑफ 543 जो इलेक्टेड सीट्स हैं लोकसभा की, उसमें से 84 आर रिजर्व फॉर एससी, ओके। सो 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड 47 आर रिजर्व फॉर एसटी। पीछे जो होते रहता है, ओके, अभी ये 2012 का फिगर है, 2012 की पॉपुलेशन के बेसिस पर इस तरह से रिजर्वेशन है, ओके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कौन कराता है, ओके, एंड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ओके, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग। एंड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल साइंस में 3 चैप्टर आपके पीरियडिक टेस्ट में आ रहे हैं, तो ये 3rd चैप्टर है। सो आई हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी कवरिंग द सेकंड पार्ट ऑल्सो। वहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की, बात करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे, ओके, एंड वी विल अंडरस्टैंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास, थैंक यू।